नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ रसाज की कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। हल्दी, बेसन, नमक, कढ़ी पत्ता और ये दही, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, मेथी दाना। तो पहले हम रसाज की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए एक बर्तन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे बेसन। आपको जितनी रसाज बनानी है उतना बेसन डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको इस तरीके से चला लेंगे। ये देखिए इतना पतला हो गया है, गुठलियां भी पूरी इसकी फूट चुकी है, जितनी गुठलियां थी इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालेंगे इतनी। ये देखिए इसका बैटर इतना ही पतला होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रखती है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में, और हमको कढ़ाई को गर्म नहीं करना है। तुरंत ही हम अपना बैटर डाल देंगे जो हमने घोल करके रखा था बेसन का, और तुरंत ही चलाना चालू कर देंगे। और इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो नीचे ये जल जाएगा। ये देखिए हमारी रसाज होने लगी है। अब हम गैस को धीरे कर देंगे और इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। ये हमारी रसाज पक चुकी है, हम गैस को बंद कर देंगे। एक थाली या प्लेट में इसको हम वो कर लेंगे, डाल लेंगे। तो ये मैंने एक थाली ली है, इसमें घी तेल हमने कुछ भी नहीं लगाया है। इसे इस तरीके से हम पतला फैला देंगे अच्छे से। घी तेल हमने कुछ भी नहीं लगाया, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन जब रसाज का पाक होता है ना, जो अच्छे से हो जाता है, तो फिर उसको इसमें तेल और घी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसमें कट लगा लेंगे इस तरीके से। आप अपने मनचाहे पीसेस कट कर सकते हैं। गैस पे हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे और तेल को गर्म हो जाने देंगे। जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम इसके पीसेस निकाल करके अलग कर लेंगे। हीट आने लगी है, तेल गर्म हो गया है। थोड़ा सा हम बेसन का टुकड़ा डाल करके चेक करेंगे कि तेल कितना गर्म है। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, ये हमने इसको इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया है। इसको डाल देंगे, जितनी इसमें बन सके उतने डाल देंगे। अब हम इसे एक एक करके इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए रसाज हमारी पक चुकी है, पूरी रेड रेड हो गई है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पकाना है, बिल्कुल रेड कर देना है, इसको पीला पीला नहीं रखना है। जो इसमें तेल बचा हुआ था रसाज तलने के बाद, तो उस तेल को मैंने निकाल लिया है एक डब्बे में, और हम गैस इसमें इतना तेल बचा दिया है कढ़ी लगाने के लिए। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे लहसुन और मिर्ची, इसको बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें डाल देंगे कढ़ी पत्ता, जीरा, मेथी दाना, इसे तरीके से पका लेंगे। हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, इन्हें भी थोड़ा सा इसे के चला लेंगे और गैस को मंदी कर देंगे। हमने बेसन और जो हमने दही रखा था उसको फेंट करके अच्छे से इसमें डाल दिया है, उसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। ये देखिए एक ग्लास पानी ऐड करें इसमें, और कोई खटाई नहीं डालेंगे क्योंकि दही हमारा खट्टा था। गैस की फ्लेम को तेज रखे है। एक उबाल आने के बाद हमने गैस को मद्दी कर दी थी और मद्दी गैस पे ही पका रहे हैं इसको। अगर गैस को तेज करेंगे तो ये उफन करके बाहर आ जाती है, और इसको चलाते रहना है, ढक करके नहीं पकाना है, इसको इसी तरीके से चलाते रहना है। ये देखिए किस तरीके से हमारी कढ़ी पक रही है। कढ़ी को जितना पकाया जाए उतना ही टेस्टी बनती है। कढ़ी हमारी लगभग पक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे रसाज जो हमने तल करके रखा था, और इन्हें इस तरीके से मिला देंगे और थोड़ी देर से और पकाएंगे। हमारी रसाज की कढ़ी अच्छे से पक चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी रसाज की कढ़ी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।